नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से, सोमवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी में कोरोना का कोई नया केस नहीं मिलने व एक मरीज के ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 14 हो गई है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि अब तक जिले में 22,371 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 21,708 लोग ठीक भी हो चुके हैं। खबर लिखे जाने तक भिवानी में कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो जिले में एक मरीज ठीक होने के साथ साथ कोई नया मरीज न आने की जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 14 हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी लहर को ध्यान में रखते हुए भिवानी वासियों से सावधानी बरतने की अपील की है। हर वर्ष की भांति इस बार भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार व हरियाणा सरकार पानी के मुद्दे को लेकर हुई आमने सामने, लेकिन हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने पलटवार करते हुए दिल्ली सरकार व आम आदमी पार्टी पर झूठ की राजनीति करने के आरोप लगाए। वहीं उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पंजाब सरकार से पानी का हक मांगने की नसीहत दे डाली। दशकों से अलग अलग राज्यों में पानी के बंटवारे को लेकर कानूनी और राजनीतिक लड़ाई जारी है, पर यह लड़ाई गर्मी के साथ साथ सियासी रूप ले लेती है। इस बार भी पानी को लेकर दिल्ली हरियाणा सरकार आमने सामने है। आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि हरियाणा दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं दे रहा। इस पर हरियाणा के कृषि मंत्री ने एक एक कर पलटवार किया और आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल पर किसी न किसान बहाने हरियाणा को बदनाम करने के लिए झूठी राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री ने कहा, इस बार मॉनसून की देरी के चलते हरियाणा में पीने और सिंचाई के पानी की कमी है। बावजूद इसके हरियाणा दिल्ली को बंटवारे के अनुसार शुरू में 719 और 1976 में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद 330 क्यूसिक अतिरिक्त पानी मिलाकर 1,049 क्यूसिक पानी दे रहा है। समय कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, पानी की कमी को लेकर लोगों की हाहाकार और नेताओं की राजनीति दशकों से जारी है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली और हरियाणा के बीच छिड़ी ये सियासी जंग कब तक जारी रहती है और क्या रंग लाती है। आम आदमी पार्टी के नेता अल्लाह गुल्ला मचा रहे हैं कि हरियाणा उनको, उनका जो शेयर है वो पानी नहीं दे रहा। ये सरासर गलत है। हरियाणा शुरू से ही दिल्ली को उसके हक से ज़्यादा पानी देता आया। दिल्ली भारत का दिल है, राजधानी है, और हम खुले दिल से दिल्ली को पानी देते रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी की पार्टी की एक आदत है कि दूसरों पे लांछन लगाते रहो और गुमराह लोगों को करते रहो। दिल्ली में प्रदूषण होता है तो वो हरियाणा के किसानों को पराली जलाने का लांछन लगाते हैं। दिल्ली में कोई और समस्या होती है ट्रैफिक की तो हरियाणा के ट्रैफिक का लांछन लगाते हैं। जब हमने KMP बनाया दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए तो उसमें उसका हिस्सा देने से मना कर दिया। वैक्सीन की बात आई कोरोना के संकट में, जो ज़रूरत से ज़्यादा वैक्सीन और वो मांगी। ऑक्सीजन की बात आई, हरियाणा की पॉपुलेशन ज़्यादा है, हरियाणा में मरीज ज़्यादा थे, लेकिन हरियाणा से दुगनी तिगनी ऑक्सीजन वहाँ वो मांगते रहे। मेरी प्रार्थना केजरीवाल जी से ये है कि वो, उनकी पार्टी पंजाब में सक्रिय है, चुनाव में जाना चाहती है, वो पंजाब में जाके ये कहें कि पंजाब के भाई, पंजाब सरकार हरियाणा के हक का SYL का पानी है वो हमें दे, और हम दिल खोल करके जो दिल्ली का हक है उससे भी ज़्यादा पानी दिल्ली को देंगे। हरियाणा सरकार के द्वारा आम जन को ढील प्रदान करते हुए महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा लॉकडाउन को 19 जुलाई तक की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। यह कहना है भिवानी के SDM संदीप अग्रवाल का। वहीं उन्होंने बताया कि खुले मैदान में शादी करने के लिए एकत्रित होने वाले लोगों की अधिकतम संख्या को 200 तक बढ़ा दिया गया है। हरियाणा में कोरोना वायरस के नए मामलों में गिरावट के बाद सुरक्षित हरियाणा कुछ छूट के साथ 12 जुलाई की सुबह 5 बजे से 19 जुलाई की सुबह 5 बजे तक बढ़ा दिया गया है। हरियाणा सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक शादियों और अंत्येष्टि के लिए सभाओं में अधिकतम 100 लोगों की अनुमति दी गई है। खुले स्थानों में इनकी संख्या 200 हो सकती है। वहीं कुछ ऐसे प्रतिभागियों के लिए स्विमिंग पूल खोलने की अनुमति दे दी गई है जो किसी इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं। इस दौरान भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। सिनेमा हॉल को भी 50% क्षमता और COVID-19 नियमों के पालन के आधार पर खोलने की अनुमति दी गई है। इसके साथ साथ सभी दुकानों को सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। शॉपिंग मॉल के खुलने का समय 10 बजे से रात को 8 बजे तक है। नए नियम और शर्तें 19 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेंगी। ये महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा
एक हफ्ते 19/7/2021 के सुबह 5 बजे तक और एक्सटेंड किया गया। उसमें जो पिछले आया था ऑर्डर उसी की एक्सटेंड किया गया है और थोड़ा सा कुछ और ओपन खुले गए हैं, जैसे कि जो पहले शादी के लिए 50 लोग के लिए अनुमति थी अब वो सीलिंग 100 लोग कर दी गई है कि 100 लोगों तक कोई भी मैरिज का फंक्शन है या कोई क्रीमेशन के लिए अलाउड है, प्रोवाइडेड वे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें और उसी सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करें, मास्क वगैरह सारे मेंटेन करें, और वो कंपलसरी है मास्क भी लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, समय समय पर अपने हाथ धोने या सैनिटाइज करने हैं और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को जरूर फॉलो करना है। उसकी उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, मतलब यही है कि हमें मैरिज के फंक्शन या कोई भी हमारी जो गैदरिंग है उसके लिए नंबर ऑफ पर्सन तो एक्सटेंड करें, लेकिन इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में कोई रिलैक्सेशन बरतें। उसी तरह जो ओपन स्पेस है इसके लिए मैक्सिमम जो सीलिंग है वो 200 है, लेकिन इसमें स्ट्रिक्टली कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए कहा गया है कि वो लोग कर सकते हैं। और स्विमिंग पूल उन मेनली उस पर्पस के लिए खोले गए हैं जो कोई स्विमर है या एथलीट है जो अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पब्लिक के लिए इंजॉय के लिए एंटरटेनमेंट के लिए या किसी रिजॉर्ट में उसके लिए अप्लीकेबल ये ऑर्डर नहीं है, केवल एथलीट और स्विमर जो अपनी प्रैक्टिस करने के लिए उन्हीं के लिए ये एक जस्ट लाइक ट्रेनिंग के लिए या अपनी प्रैक्टिस के लिए ही खोले गए हैं। इसके साथ जो पहले से नॉर्म्स खुले जा रहे हैं दुकानों का टाइम है या जो मॉल्स का है वो सब एज इट इज़ है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। लेकिन मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि जब ही बाजार आएँ, जब कोई आवश्यकता हो, जरूरी आवश्यकता हो, लेकिन साथ में मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग को जरूर मेंटेन करें और अपने आप को और दूसरे को इस महामारी से बचाएं और जब भी टर्न आए अपनी वैक्सीन जरूर लगवाएं। सोमवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर स्थानीय चौधरी बंसीलाल सामर अस्पताल में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को भिवानी के सीएम डॉक्टर सपना गहलावत ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वहीं उन्होंने देशवासियों से जनसंख्या पर नियंत्रण करने की अपील की ताकि देश को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाया जा सके। विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में भिवानी के चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में आम नागरिकों की जनसंख्या के प्रति जागरूक करने के लिए जागरूकता रैली निकाली गई। इस साल विश्व जनसंख्या दिवस 2021 की थीम कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव है। इस साल यह वैश्विक स्तर पर यौन और प्रजनन स्वास्थ्य और प्रजनन व्यवहार पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव पर अधिक प्रकाश डालने के लिए मनाया जाएगा। इस दिन पूरी दुनिया में जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए तरह तरह से उपाय से लोगों को परिचित कराया जाता है। इसके अलावा परिवार नियोजन के मुद्दे पर भी बात की जाती है ताकि बढ़ती जनसंख्या पर लगाम लगाई जा सके। आज 11 जुलाई को जैसे जनसंख्या नियंत्रण दिवस होता है तो इसमें एक महीने का प्रोग्राम चल रहा है। ये हमारा शुरू हुआ था 27 जून से, 16 जुलाई को दंपति संपर्क पखवाड़ा मनाया गया था और अभी 11 जून से 24 जुलाई को जनसंख्या स्थिरता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे अंडर आने वाली सभी CHCs पे और SDH पे और इंक्लूडिंग हमारे GH पे रोज़ जनसंख्या नियंत्रण के लिए ट्यूबेक्टमी और वैसेक्टमी के ऑपरेशंस करने के लिए कैंप लगाए जाएंगे। और इसमें हमारी आशाज ANMs ये लोग अपना घर घर जाके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि छोटा परिवार सुख का आधार। और इस बार हमारा स्लोगन जो है वो भी यही है कि इस आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी। तो छोटा परिवार अगर रहेगा तो उसमें साधन संपन्न लोग तो अपने परिवार को अच्छे से चला ही सकते हैं, लेकिन जो लोग गरीब होते हैं अगर वो अपने परिवार को ज़्यादा ना बढ़ा के कम रख के उनके अच्छे से परवरिश करें तो उसमें पूरे राष्ट्र की प्रगति होती है। तो इसमें हमारा यही मोटिव है कि लोग ज़्यादा बड़ा परिवार ना करके छोटे परिवार पे ही अपना परिवार नियोजन करें। इसमें टेम्प्ररी और परमानेंट दोनों तरह के मेथड्स लोगों को बताए जाएंगे, उनको एक बास्केट ऑफ चॉइस दी जाएगी कि वो जो भी मेथड अपनाना चाहें, चाहे वो परमानेंट मेथड है जिसमें ट्यूबेक्टमी और हमारा वैसेक्टमी आ जाता है, और अगर कोई डिलीवरी के बाद अगर महिला कराती है तो वो पोस्टपार्टम स्टरलाइजेशन हो जाता है। तो सरकार की तरफ से इसमें महिलाओं को प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जाती है जो कि 2,000 रुपये है, और अगर कोई पुरुष कराते हैं उनको भी 2,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसके अलावा डिलीवरी के बाद जैसे PPIUCD लगाना, अगर कोई बेनिफिशियरी डिलीवरी के बाद PPIUCD लगवाती है तो उसको 300 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इसका मोटिव ये रहता है कि दो बच्चों में 3 साल का अंतर हम रखना चाहते हैं कि जिससे माँ का शरीर पूरी तरह से अगले बच्चे के लिए तैयार हो, और जो उनका बच्चा है
उसको पूरी तरह से पोषण मिले, माँ का दूध पूरी तरह से मिले। तो 3 साल का गैप बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे इसमें साधन होते हैं जिनके बारे में आशा और ANM सब जो एलिजिबल कपल हैं उनको इसके बारे में जानकारी देती हैं, जैसे कॉन्डोम्स और OC पिल्स तो दी ही जाती हैं। इसके अलावा एक अंतरा का इंजेक्शन लगाया जाता है जो हर 3 महीने के बाद लगाया जाता है। 1 साल में 4 इंजेक्शन लगने के बाद 2 साल का गैप आराम से आ जाता है, और ये दूध पिलाने वाली माताएं हैं उनको भी ये आराम से लगाया जा सकता है, इसका कोई नुकसान नहीं है। तो इस पखवाड़े में हमारा यही रहेगा कि हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट को अचीव करें, क्योंकि पीछे कोरोना के दौरान जो हमारा पहला क्वार्टर था उसमें हमारे ऑपरेशंस और ये सब काफ़ी कम हुए हैं। तो ये जो अब स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं तो हमारा इसमें मोटिव रहेगा कि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे टारगेट्स को अचीव करें। भिवानी की पुलिस CI स्टाफ 2 की टीम ने बड़ेसरा में बीते दिनों राजकुमार पर गोली चलाने के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। सोमवार को इस मामले का खुलासा करते हुए भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि आरोपियों के पास से 6 अवैध पिस्तौल, 29 जिंदा कारतूस व 5 मैगजीन बरामद की गई है। सोमवार को पुलिस विभाग द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन CID 2 कार्यालय में किया गया। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बड़ेसरा में एक व्यक्ति पर गोली चलाए जाने के मामले में हुई गिरफ्तारी का खुलासा किया, वहीं साथ ही आरोपियों से बरामद हुए हथियारों की जानकारी भी दी। क्या है आगे की जानकारी, आप खुद सुनिए। जो बड़ेसरा में जैसा आपको ज्ञात है कि बार बार वारदातें हुई है, इसी क्रम में एक 26 जून को राजकुमार जो इस मुकदमे में गवाह था उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी। साथ में वहाँ पे जो पुलिस की पार्टी जो सुरक्षा के लिए दी गई है वो भी वहाँ पे मौजूद थी, उन्होंने भी जवाबी कार्रवाई की जिसमें राजकुमार की 2 गोलियां लगी थी और राजकुमार परंतु हॉस्पिटल में इलाज कराया गया और वो वहाँ पर बच गया था। इसमें हमारे सामने जांच में सामने आया कि जो आनंद ये पूर्व सरपंच का पति है वो इस मामले में बार बार इस पक्ष पे हमले करवा रहा था और इसी क्रम में उसने हिसार जेल में बैठे हुए 5 और 6 मुलजिमों को सुपारी देके इस पे हत्या का प्रयास करवाया था। पुलिस की टीम हमारी लगातार इनके पीछे लगी हुई थी, हमने CCTV कैमरेज खंगाले, साथ में पुराना रिकॉर्ड चेक किया, उससे हमें इन आरोपियों की पहचान हुई जिनमें से एक अजय और दीपक, ये दोनों भिवानी जेल में आनंद के साथ में बंद थे। हमने जेल का रिकॉर्ड भी निकलवाया, उनके सारे पुराने पते, पुराने ठिकाने सब कुछ निकलवाए। उसके आधार पे CI2 की टीम को कल रात को ये सफलता मिली। इसमें जो हमला करने में जो 4 व्यक्ति थे जो शामिल थे वो गिरफ्तार किए गए हैं, साथ में जो इस घटना में जो हथियार उपयोग में हुए थे उनमें से 6 असले बरामद हुए हैं, साथ में भारी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए हैं। 1 हथियार इनका उसी वारदात के समय वहीं घटनास्थल पर ही गिर गया था, उसको पुलिस ने पहले से कब्जा ले चुका है। इसके साथ इसमें रेकी करने में और इनकी सहायता में 2 अभियुक्त और हैं जिनकी गिरफ्तारी भी बकाया है। भिवानी में TB की बीमारी को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए 12 जुलाई से 27 जुलाई तक की जा रही है विशेष अभियान की शुरुआत, यह कहना है भिवानी के CMO डॉक्टर सपना गहलावत का। उन्होंने सोमवार को मेदांता अस्पताल से पहुंची एम्बुलेंस को जिले के TB एक्टिव केसेस को फाइंड आउट करने के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने सोमवार को चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल परिसर से मोबाइल एक्सरे वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। हरी झंडी दिखाते हुए सिविल सर्जन ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें TB से ग्रस्त रोगियों की पहचान के लिए 27 जुलाई तक दस्तक अभियान चलाकर घर घर जाकर रोगियों की जाँच, उपचार और उन्हें जागरूक करेंगी। उन्होंने बताया कि दस्तक अभियान के दौरान यदि किसी व्यक्ति में क्षय रोग के लक्षण मिलते हैं तो मौके पर उसका एक्सरे किया जाएगा। ये मोबाइल वैन हाई रिस्क एरिया में जाएगी। इसके लिए विभाग ने 389 टीमें बनाई है जिसमें 1100 कर्मचारी शामिल हैं। 12 तारीख से 27 तारीख तक हम एक्टिव केस फाइंडिंग, TB की जो बीमारी है उसकी एक्टिव केस फाइंडिंग का पखवाड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं, और इसके लिए आज हमने जो मेदांता से हमारी एक्सरे वैन है उसको हरी झंडी दिखाई है। साथ ही जो आशा वर्कर्स हैं और जो डॉक्टर्स हैं, जो फील्ड में डॉक्टर्स हैं, उन सब की हम एक वर्कशॉप भी कंडक्ट कर चुके हैं,
जिसमें बताया गया है कि हाउस टू हाउस सर्वे करके एक्टिव केस फाइंडिंग जो हैं वो ढूंढने हैं। इसके लिए जो कॉमन सिम्टम्स जो रहते हैं उनको पूछ के और ऐसे केसेस को जो हमारी वैन रहेगी उसमें एक्सरे करवा के और सीबीनेट मशीन से जांच करवा के और केसेस को ढूंढा जाएगा ताकि उनका इलाज हो सके और टीबी जैसी जो बीमारी है उसको हम जड़ से निकाल सकें। औषधीय पौधे लगाने व उनका संरक्षण करने से मिलता है मनुष्य को अत्यधिक पुण्य, यह कहना है विधायक घनश्याम सर्राफ का, जिला भाजपा अध्यक्ष शंकर धूपर और अमित कौशिक का। विधायक ने वार्ड नंबर 18 भाजपा के उपाध्यक्ष विक्रम सिंह की उपस्थिति में बरगद, पीपल, बेलगिरी, आंवला इत्यादि के पौधे लगाए। वहीं भाजपा अध्यक्ष शंकर धूपर ने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए व स्वस्थ शरीर के लिए तुलसी व गिलोय के पौधे घर घर जाकर वितरित किए। वहीं वार्ड नंबर 18 में पंचवटी यानी कि बरगद, पीपल, आंवला, बेलगिरी और सीता अशोक का पौधा लगाया गया। इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला वन विभाग अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर पौधारोपण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इस मौके पर विधायक ने कहा, इस मौसम से पौधारोपण करने से सबसे ज्यादा पुण्य मिलता है क्योंकि जो पौधा रोपित किया जाता है वो सहज ही बढ़ने लगता है। उन्होंने बताया कि वे शहर के सभी 31 वार्डों में पौधारोपण कार्यक्रम चलाएंगे ताकि बारिश के मौसम में अनेक जगहों पर पौधारोपित कर प्रकृति में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाया जा सके। पेड़ पौधों की कमी से निरंतर पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए पौधारोपण करना बहुत जरूरी है। हम सभी का फर्ज बनता है कि पृथ्वी की खूबसूरती को बनाए रखने में हम अपना योगदान दें। इसी के चलते स्थानीय लोहड़ चौपटा स्थित खारीकुई शिव मंदिर में हर घर तुलसी घर घर गिलोय अभियान को बढ़ाते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने पौधे रोपित किए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस अभियान के प्रति लोगों के समर्थन को देखते हुए उन्होंने फैसला किया है कि वे इस अभियान को पूरे मॉनसून सत्र तक चलाएंगे और घर घर जाकर लोगों को तुलसी और गिलोय जैसे औषधीय पौधों का रोपण करने के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि अभियान के तहत सोमवार को तुलसी और गिलोय के 750 पौधे वितरित किए गए। पंचवटी लगा के हमने किया है और इसमें हमारे भाई विक्रम सिंह जी, हमारे डीएफओ विनय जी, विपिन कुमार जी और हमारे साथी सुभाष जो कि ये दूसरा मंडल है उसके अध्यक्ष हैं, हमारे नगर से भाई विवेकानंद मंडल, अजय जी, ये सब लोग प्रमुख लोग इसमें शामिल हैं और ये इन पेड़ों का एक संकल्प इनके माध्यम से लिया गया है कि हम इसको पूरी तरह पलने देंगे और पेड़ लगाना आज के दिन में बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने पीछे देखा है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो जवान भी हमारे चले गए, उन सब की याद में भी और उनके जो हमारा ऑक्सीजन का युक्त शहर बनाने का। आज बहुत ही खुशी की बात है, हमारे साथ विपिन कुमार जी डीएफओ साहब यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने पंचवेणी का महत्व भी बताया और साथ में डायरेक्शन भी सारी चीज़ें बताई, लेकिन इसके साथ ही पांचों के पांचों पौधे जो हैं ये बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक तो हैं ही, और पीपल का पेड़ है जैसे ये तो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है और इसी को पूरे हमारे देश के अंदर धार्मिक के साथ भी बांधा गया कि यहाँ पर जाओ इसकी फेरी करो, डेली पानी दो और फिर इसका नाल बांधो, चक्कर लगाओ, क्योंकि एक तो पानी हम देंगे तो हरा रहेगा, दूसरा उसके पास जितनी देर रहेंगे तो उतना ऑक्सीजन हमें उसकी मिलती रहेगी, ये बड़ा फायदा होता है। और जब बड़ का पेड़ है, बड़ के पेड़ के औषधीय गुण भी पीपल के पेड़ के भी बहुत ज़्यादा हैं, उसी पर बड़ के पेड़ की बहुत ज़्यादा उसकी बरबंटी है, 500 दवाइयों में वो काम आती है। मैं अभी पढ़ा चाहिए कब्ज हो चाहे दूसरी बीमारियाँ, इस प्रकार की सैकड़ों बीमारियाँ हैं और शारीरिक ताकत के लिए भी बड़ की बरबंटी से दवाई बनती है, वो भी बहुत शरीर को ताकत देती हैं। इसी प्रकार ये पाँचों के पाँचों पौधे बहुत ही औषधीय पौधे हैं और जगह जगह पे हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि जिसके गुण पता लग के ये पंचवेणी ज़्यादा लगानी चाहिए क्योंकि इसमें बड़ भी होगा, पीपल भी होगा साथ में, लेकिन बाकी तीनों औषधीय पौधे होने से ये हमारे वातावरण को हरा भरा तो रखेगी, ऑक्सीजन भी मिलेगी, साथ में औषधीय गुण भी मिलते रहेंगे। इसलिए हम आगे से कोशिश यही करेंगे कि पंचवेणी लगाई जाएँ कि जिससे कि हमारा पूरा आज जो एक कहर डाया है कोरोना ने तो उस कहर को भी हम ख़त्म कर सकें, क्योंकि जब नेचुरल ऑक्सीजन की ये कमी होगी लोगों के अंदर तो वो जिस कमी के अंदर से बहुत से लोग अपना प्राण भी त्यागने पड़े, लेकिन आगे से हम इतने पेड़ यहाँ पर लगा देंगे भिवानी और उसके आसपास और बाकी सभी से जो भी सुन रहा है मेरी बात को उनसे भी मैं यही प्रार्थना करूँगा
कि वो भी पूरे क्षेत्र में अपने आसपास जहाँ भी जगह खाली मिले, जहाँ भी पेड़ लगाए जा सकते हैं, तालाबों के आसपास हैं, नहर के आसपास हैं, दूसरी खाली जगह है, उसमें खाली टाइम में रेत उड़ता है, गर्मी होती है, तो यहाँ का वातावरण बदलेगा। जिस प्रकार से आज राजस्थान का वातावरण पूरा बदल चुका है, वहाँ रा बरा हो चुका है और बरसात ले दे के राजस्थान में आती है, जहाँ पर 12-12, 15-15 साल तक बाड़मेर वगैरह में बरसात दिखाई नहीं दी थी, आज वहाँ पर बाढ़ आती हैं। तो वही बात हरियाणा में भी हो कि जिससे कि हरियाली भरे और यहाँ पर बरसात और बढ़े, हमारा सूखा न रहे। दक्षिण हरियाणा हर समय बाढ़ जोता रहता है कि कब बरसात और कब हमारी फसल तैयार हो, तो इसलिए हमारी कोशिश यही रहेगी कि आगे से हम पंचवेणी से निकले। आज हमने श्री शंकर धुपड़ भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के नेतृत्व में मार्गदर्शन में हमने ये अभियान शुरू किया है, जिसके तहत हम हर घर तुलसी, घर घर गिलोय पहुंचाने का प्रयास करेंगे, जिससे आने वाले समय में जो बता रहे हैं कि कोरोना बच्चों में ज़्यादा महामारी फैलेगी इस बार, तो उससे बच्चों को बचाने के लिए हमने ये अभियान शुरू किया है, जिसे तुलसी का रस पीकर बच्चे उस चीज़ से बचें और इम्यूनिटी पावर उनकी बढ़े। जो और प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, जो पैसे देकर हम लेके आते हैं, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम तुलसी का जल बच्चों को पिलाएं, जिससे उनकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी बढ़े। ये हमारा एक अभियान है, भारतीय जनता पार्टी की जो एक कोशिश है वो हम पूरी करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। आज अमित कौशिक के नेतृत्व में हमने ये हर घर तुलसी, घर घर गिलोय ये अभियान चलाया है। अमित कौशिक हमारे जिला के पर्यावरण प्रमुख है, इनके नेतृत्व में इसलिए भी है क्योंकि पूरे प्रदेश भर में ही हमने जो है वृक्षारोपण का एक बड़ा अभियान चला रखा है। उसी अभियान के तहत जैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागृति बढ़े, आज ये तुलसी और गिलोय बांटने का इन्होंने प्रोग्राम रखा है। मैं इनको यह शुभकामनाएं देता हूँ कि ये कार्यक्रम पूरे भिवानी शहर में ये चलाएं। आज में इन्होंने हजार हजार पौधे दोनों के, तुलसी के और गिलोय के, लगाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री हरियाणा, ये बार बार लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। वही काम अमित कौशिक का, कृष्णा भारद्वाज का, भाई जो है ब्रिजपाल तंवर का, ये काम आज ये करने वाले हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग व सरकार द्वारा आंगनवाड़ी कर्मचारियों पर डाले जा रहे काम के दबाव के खिलाफ आंगनवाड़ी हेल्पर्स वर्कर्स यूनियन व CITU सदस्यों ने सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। इस अवसर पर आंगनवाड़ी नेताओं ने ऑनलाइन डाटा भेजने के लिए सरकार से प्रत्येक कर्मचारी को स्मार्टफोन व 500 रुपये रिचार्ज भत्ता देने की मांग की। सरकार व विभाग द्वारा आंगनवाड़ी महिलाओं पर किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर यूनियन संबंधित CITU ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर नारेबाजी कर रोष जताया। आंगनवाड़ी महिलाओं ने कहा कि जब तक उन्हें स्मार्टफोन और उसके रिचार्ज के लिए 500 रुपये प्रति महीना नहीं दिया जाता, वे ऑनलाइन काम करने में असमर्थ हैं। आंगनवाड़ियों का पिछले 2 साल का किराया बकाया है। उन्होंने महिलाओं को रिटायरमेंट लाभ दिए जाने, 1500 रुपये, 750 रुपये मानदेय बढ़ोतरी लागू किए जाने, सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में पानी के कैंपर, पंखे, झाड़ू, अलमारी और ज़रूरी सामान दिए जाने की मांग के साथ साथ किसान आंदोलन का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत के माध्यम से समस्याओं का निदान करे। जो आज का प्रदर्शन है वो किसको लेकर है? प्रदर्शन ये है कि पोषण ट्रैक के बारे में हमारी वर्करों को बहुत तंग किया जा रहा है। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं ताकि हमें परेशान ना करे और पोषण ट्रैक हम नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ये हमारे दायरे में नहीं आता। या तो हमें सरकारी कर्मचारी माना जाए, 22,000 रुपये तनख्वाह करे और हमारे को ट्रेनिंग दी जाए कि 1 साल करे, उसके बाद ये कदम उठाए। सरकार को ये चेतावनी देते हैं ना, वो धरना, वो प्रदर्शन, वो बहन हम जो पहले हमने मोर्चा रचा था, सरकार ने घुटने टेके थे, अब की बार भी यही सोच रहे हैं कि सरकार या तो 1-2 बातें हमारे गए हैं उसे मान जाए और नहीं मानेगी उसके बाद हम अपना प्रदर्शन जारी करेंगे और आगे बढ़ कर के घुटने टिकाएंगे सरकार को और आने नहीं देंगे सरकार को अब की बार बिल्कुल भी, और हमारे बहनों का शोषण सहन नहीं होगा हमारे से। पोषण ट्रैक है, इसके बारे में सरकार हमें बहुत तंग कर रही है। हमारी वर्कर कोई 10वीं पास है, पहले की कोई 5वीं पास लग रही है, उन्होंने ऑनलाइन काम नहीं करना आवे, और करना भी आवे किसी तरह करा भी तो हमें स्मार्टफोन भी दिए जाए या स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाए। पहले जो मांग
की थी 1500, वो घोषणा की थी 1500 और 750 ना वो लागू करे, ना हमें कोई रस्म के बारे में अच्छी तरह भाई हम पूर्ति कर सका। आधी औरतन रस्म मिल जाए, आधी ना मिला। लॉकडाउन में घर जरूर बैठे हैं और तुम्हारे छिथड़े पड़े हैं। या तो सरकार हमारी पूरी मांग सुन ले, नहीं तो हम पहले वाला जिस तरह 20 दिन हमने धरना धरा था उसी तरह 20 दिन का धरना नहीं, ईद का लंबा धरना चलेगा जितने हमारी मांग पूरी नहीं होगी। सोमवार को भिवानी के दिव्यांगों ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर हरियाणा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आंदोलन की शुरुआत कर डाली। इस बारे में दिव्यांग यूनियन के जिला प्रधान एडवोकेट संजय व विनोद कुमार ने बताया कि सरकार ने आपदा समय में ना तो उन्हें दवाइयां खाना प्रदान किया और ना ही उन्हें मानसिक पेंशन भी लागू की गई। लंबित मांगों को लेकर धरना दिया गया है और 10 सूत्रीय जिला स्तर की मांगे हैं और ये पूरे हरियाणा का आंदोलन शुरू हो रहा है। आज यहाँ भिवानी से हम आगाज कर रहे हैं, इसके बाद सभी जिले और तहसील लेवल पे ये आंदोलन उठाया जाएगा। हमारा जो मुख्य रूप से मुद्दा रहा कि हमारी 18 सूत्रीय मांगे पूरी नहीं की, आपदा काल में दिव्यांगों को जो खाने की दवाई पानी की और जो व्यवस्था करनी चाहिए थी सरकार ने वो नहीं की, हजार रुपए जो केंद्र सरकार द्वारा घोषित किए गए थे वो भी नहीं आए, बीजेपी ने 5000 रुपए पे मासिक पेंशन की कही थी, जेजीपी ने 5100 कही थी, दोनों की सरकार है इसके बाद भी उसको लागू नहीं किया गया है। इसीलिए विकलांग समाज फिर से आंदोलन के लिए मजबूर हुआ और अब ये आंदोलन भिवानी से आगाज होकर पूरे हरियाणा में फैलाया जाए। संजय जी अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।